नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन के साथ। और आज होने वाला है ट्रैवलिंग ब्लॉग, ठीक है। आज जा रहे हैं हम देहरादून, द सिटी ऑफ लव है। तो अभी सुबह सुबह हो रही है, तो सुबह सुबह निकल रहे हैं और हमें पकड़नी है रोडवेज, क्योंकि आपको पता है हम लंबा सफ़र रोडवेज में करते हैं। हम मैक्स मुक्स में हम अपना सिर दर्द नहीं कराते हैं, इसलिए रोडवेज पकड़ते हैं 9 बजे वाली। और मिलती है कि नहीं, नहीं तो पौड़ी से जाएंगे। बस ही बस है, चिंता करने के बाद भी है, लेकिन जाएंगे आज देहरादून। और कुछ काम है वो आप कल वाले ब्लॉग में बताएंगे क्या काम है, ठीक है। अभी जा रहे हैं यहाँ से और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। क्योंकि गांव के ब्लॉग देख देख के आप परेशान हो गए, और आपने कॉमेडी वीडियो जो हमने करवा चौथे बनाई थी वो भी देख दी होगी, और काफ़ी मज़ा आई होगी आपको, ठीक है। तो ऐसे ही मज़ा आपको दिलाते रहेंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है चैनल। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है और कैसे कैसे सफ़र रहता है, ठीक है। चलते हैं अभी यहाँ से, पहले पाबू पाबू से रोडवेज में ठीक देहरादून तक। चलो फिर, तो ये देख सकते हैं गाँव का मौसम, धूप लगी हुई है और क्या शांति है देखो। और अभी हम देहरादून पहुंचेंगे, तब तो वहाँ देखना क्राउड ट्वीटा दिमाग ख़राब हो जाता है हम जैसों का भाई। तो अभी देखो यहाँ क्या सुनसान मौसम है, क्या ताज़ी हवा खा रहे हैं पेड़ों की, लेकिन वहाँ तो प्रदूषण है भाई। चलो क्या करना है, काम है तो चल जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं पौड़ी में, और ये रहा पौड़ी का बस अड्डा। और यहाँ पे बस लगभग आधा घंटा रुकेगी, क्योंकि यहाँ से सवारी ले जाती हो, और तब हम निकलेंगे सीधा देहरादून के लिए। थोड़ा यहाँ पे रुकते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पौड़ी में, और रोडवेज का सफ़र कुछ अलग ही रहता है, मज़ा आती है बहुत तगड़ी। मैक्स मुक्स में तो मज़ा नहीं आती है, इसलिए हम पौड़ी में पहुँच चुके हैं और पौड़ी के इस सुंदर मौसम का मज़ा ले रहे हैं। और पौड़ी ही मतलब पौड़ी को देख के भी एक बहुत बढ़िया सुकून मिलता है, क्योंकि हम पौड़ी में रहे हैं और यहाँ उतना ट्रैफिक नहीं है। फिर भी पौड़ी तो पौड़ी है यार, हिमालय ठंडा देखो यहाँ क्या तगड़ा है। जहाँ हमारे गांव में जितना ठंडा होता है, वहाँ से डबल ठंडा पौड़ी में होता है, क्योंकि तो हिमालय ठीक सामने है। आज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब देख लिखेगा तब बताएंगे कभी, बहुत तगड़ा व्यू आता है यहाँ से। तो अभी चलते हैं रोडवेज, यहाँ पर रुकती है थोड़ी देर, आधा घंटा रुकेगी, 15 मिनट रुकेगी, उसके बाद रोडवेज भी चलेगी, तो हम भी चलेंगे रोडवेज के साथ ठीक देहरादून के लिए, ठीक है। काफ़ी मज़ा आने वाली आज, तो ऐसे बने रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपना प्यार बनाते रहो। दिखाते हैं यहाँ का व्यू पौड़ी का। तो दोस्तों जैसे हमारे पहाड़ों में है ना क्या शांति है, और जब हम देहरादून की तरफ निकलते हैं या दिल्ली कोटा कहीं भी, कितना ट्रैफिक होता है, कितना शोर कबला होता है। तो यहीं से देखो पौड़ी से अब हल्ला स्टार्ट होने लग गया, थोड़ा थोड़ा करके मतलब ट्रैफिक होने लग गया। तो जब हम देहरादून तक पहुंचेंगे तो जिस बंदे को पहाड़ों में रहने की आदत होगी ना, वो शहर में कभी नहीं रह पाएगा, इतने शोर कबले में और प्रदूषण अलग है। हमारे पहाड़ों में तो क्या शांति है, ठीक है। चलो चलते हैं, बस भी जाने लग गई होगी, तो वहीं पर चलते हैं बस के सामने। ठीक है, यहाँ पे हिमालय लेकिन दिख नहीं रहा है, कोहर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हिमालय दिखता है जब ना, कितना मस्त लगता है। तो ये बस देखो चलने लग गई है, और अब हम रुकेंगे सीधा तीन धारा में, और यहाँ से सवारी लेते हुए बस सीधा चलती है देहरादून के लिए। तो सीधा आगे रोड जाती है कोरदार और हमारे पाबों के लिए, और हम कटेंगे यहाँ से ऊपर के लिए, और यहाँ से जाती है सीधा देहरादून के लिए, क्योंकि तो हम जा रहे हैं देहरादून, इसलिए हम यहाँ से जाएँगे ऊपर, और काफ़ी मज़ा आने वाली। तो बने रहना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना भाई अपने दोस्तों के साथ। तो हम पहुंच चुके हैं, देखिए देवप्रयाग का संस्कृत कॉलेज है, विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे बस रुकी क्योंकि तेल कम हो गया था, तो इसलिए बस वाले भरा रहे हैं तेल, और ये देवप्रयाग में हम तेल भरा रहे हैं, और मात्र कितने का बता रहे हैं, 800 रुपये का, शायद 800 ही बोल रहे थे, मतलब 10 लीटर 884 का भरा। तो हम पहुंच चुके हैं तीन धारा में, और जितनी तीन धारा में बस होते हैं उतने होटल के बाहर लोग खड़े रहते हैं कि यहाँ आओ यहाँ आओ, तो आए कहाँ, एक जगह तो बोलो ढंग से। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं तीन धारा में,
और 3 दिन में लोग फ्रेश फ्रेश होते हैं, हम भी फ्रेश हो गए। और यहाँ से अब जिसके से भी यहाँ से 99 किलोमीटर रखे देहरादून, चलते हैं हौले हौले। बस में रोड पे जो फायदा होता है कि रोड पे में सिर दर्द नहीं होता, ठीक है। बाकी तो वैसे गाड़ी में तो सिर दर्द होता है मैक्स मुक्स में, इसलिए मैक्स में जाता नहीं हूँ। चलते हैं यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 3 धारा में दुकानदार से आवाज़ लगाते हैं, जैसे वो लोग कैसे बुलाते हैं, एक इधर से करता आ जाओ, एक उधर से करता आ जा। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने अपना बिजनेस चलानी है, तो हम भी चलते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो यहाँ पे लगी है मैं बस से बस सारी, तो मेरा तो मन नहीं है खाना खाने का, इसलिए मैं खाऊंगा बंद और चाय बस, बहुत है। ये आ गए हमारी चाय और ये रहा बंद, खाते हैं इसको। विश्वनाथ सेवा हिमगिरी और रोडवेज में, और ये खतरनाक रेस अभी दिखाता हूँ जब वो गिर गए। मज़ा ही नहीं बसों में यार, गाड़ियों में क्या मज़ा है, कार में भी मज़ा नहीं आती मेरे को आती नहीं बसों में मज़ा। अपना आराम से सो के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, और गाड़ियों में तो खटास। चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, अब टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया। चलो फिर, खाने का मन तो नहीं था इसलिए नहीं खाया, क्योंकि अजीब सो रहा था, ठीक है। तो चलते हैं, ये रही बस अपनी भाई, अभी ड्राइवर आए नहीं, जब ड्राइवर आएगा तब बैठते हैं बस में, उसके बाद चलते हैं। तो हम भी निकल चुके हैं आप देहरादून के लिए, खाना पीना हो गया, जिसे किसी ने खाना खाया खाया, बहुत बहुतों ने नहीं खाया, क्योंकि मन नहीं करता ना। ट्रैवल में ऐसा होता है कि किसी का सिर दर्द होता है, किसी को उल्टी होती है, किसी को कुछ होता है, तो खाते नहीं है, तो इसलिए अब हम चल पड़े हैं। तो ये देखिए राफ्टिंग वाले दिखने लगे, तो समझ जाओ हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश में, देख सकते हैं। और ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा जाम ऋषिकेश में लगता है, वो पता नहीं क्यों लगता है, वो इसलिए भी लगता है क्योंकि राफ्टिंग वाले भी ऋषिकेश में हैं और अंग्रेज़ भी ऋषिकेश में है। अगर आप लोगों को अंग्रेज देखने हैं तो आप लोगों को ऋषिकेश में आना पड़ेगा, बहुत सारे प्रकार के अंग्रेज़ दिखेंगे आपको। तो अंग्रेज़ों की नगरी भी है वह ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और घूमने लायक भी बहुत कुछ है ऋषिकेश में। तो ये हम फंस चुके हैं जाम में, देखो बहुत बड़ा जाम लग गया है ऋषिकेश में, जाम तो ऐसे लगता ही रहता है। तो ऋषिकेश हो चुका है ख़त्म और हम चढ़ चुके हैं अब देहरादून की तरफ, और बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, और काफ़ी मज़ा भी आ रही है भाई, ऐसे सफ़र में मज़ा भी आती है। तो देहरादून जाते वक्त एकमात्र टोल मिलता है रास्ते में, वो ये है, हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे। तो ये टोल में वाला भीड़ होती है बहुत, आज पता नहीं होगी या नहीं होगी, तो है थोड़ा बहुत है क्योंकि एक टोल है यहाँ पे, गाड़ियाँ अपना टोल देती हैं उसके बाद चलती हैं देहरादून के लिए। तो दोस्तों इन रोडों को देख के एक गाना याद आ गया, मैं पहाड़ों को रे बसी तू देहरादून रोड वाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। हम पहुंच चुके हैं भाई देहरादून आई एस बी टी में, दिखाता हूँ आई एस बी टी का गेट, और अब हमें जाना है आई एस बी टी साइड, जाना है कहीं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। चल रहे भाई, चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, चलो भाई आप दौड़ते हैं कर को। ये देखो भाई आई एस बी टी का गेट, पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों जिनको पता होगा मैं पुराने ब्लॉग कि मेरा ये शॉर्टकट रास्ता है, देखो किस रास्ते जाता हूँ मैं, शॉर्टकट है ये, बहुत शॉर्टकट, वैसे मैं 3-4 किलोमीटर है,
ऐसे में तो बहुत सरल है, इस रास्ते जाओ तो मेरा शॉर्टकट रास्ता ही। जल्दी तो पहुंचना है भाई, रूम में ही तो पहुंचना है। अब बढ़िया एकदम साफ है, बस इधर है थोड़ा गंदा, बाकी रास्ता एकदम परफेक्ट है। तो मैं पहुंचा मतलब 3:30 बजे पहुंच गया, 9 बजे वहाँ से आया था, और मतलब 9 बजे पापू से बैठा और पौड़ी में भी रुकी आधा घंटा रुकी तुम्हारे देवप्रयाग में, और इस केस में भी जाम लगा, लेकिन 3:30 बजे पहुँच गए। बस अब क्या चलते हैं घर की तरफ, ठीक है, बाकी ज़्यादा क्या बनाना है। और मैंने अभी व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया तो बहुत सारे दोस्त मेरे आएंगे देखने के लिए कि कहाँ जा रहे हैं, तो बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं। कम से कम अभी मैंने 2 बजे लगाया था, अभी देखा करूँ तो 25 मैसेज आ रखे हैं, कहाँ है भाई, क्या काम है, क्यों है, क्या है, किस लिए है। तो हर किसी का रिप्लाई नहीं दिया जाता, ठीक है। तो अभी जा रहा हूँ मैं रूम में। तो भाई अब हम द सिटी ऑफ लव में आ रखे हैं, तो प्यार भरी बातें करेंगे। हम गांव से छोड़ के आ गए ट्रोल करना। भाई साहब यहाँ पावर हाउस भी है भाई, लाइट की आवाज़ आ रही है बहुत ख़तरनाक। यहाँ सो जाते फिर बढ़िया रोड। अब हमें जाना है भाई पूजा बिहार में। ये रहा पूजा बिहार। ट्वीं 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 ट्वीं, सुबह कैसा मौसम था, अब देखो कैसा हो रखा, ट्वीं ट्वीं। तो दोस्तों थक चुका हूँ और पहुँचने वाला हूँ। यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ मतलब किसी को किससे मतलब नहीं रहता है। जैसे मैं हूँ, अम्मू को अपने खिड़की से आवाज़ लगा तो अम्मू आ, यहाँ किसी को किससे मतलब नहीं है भाई। तो चलो भाई मैं पहुँचने वाला हूँ, तो ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को ये ब्लॉग सुना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे अपना प्यार बना करके, ठीक है। घूमते कल से हैं, ठीक है। आज तो क्या घूमना, आज तो हम पहुँच गए 3:30 बजे, अब चलते हैं रूम में, हाथ मुँह धोते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर देंगे क्योंकि थकान लग जाती है सफ़र में। चलते चलते ठीक है, चलते हैं। आशा करते आप लोग को पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे अपना प्यार बना करके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।